सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय राम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय राम सीताराम सीताराम प्यारे सज्जनों, भगवान श्री राम जी और भरत जी का मिलन हो चुका है और मिलन होने के बाद वशिष्ठ जी महाराज भरत जी की प्रेम की दशा को देखते हैं, क्योंकि भरत जी को तो अनन्य नाम दिया गया है। कोई संत भरत कहते हैं, कोई त्याग के मूर्ति भरत कहते हैं। देखिए, भरत जी को अलग अलग लोगों ने कहा, लेकिन वास्तव में भरत जी का जो प्रेम है वो विलक्षण है, अद्भुत है प्यारे से। और इस प्रेम को मथा गया है भगवान राम के द्वारा, आप जानते हैं। प्रेम अमी मंदिर विरह, ये कहा गया है। प्रेम को निकाला गया है भरत जी के मंथन के द्वारा। रामचरितमानस में तीन मंथन है। एक तो सीता जी के सौंदर्य का मंथन हुआ है बाल कांड में, दूसरा अयोध्या कांड में भरत जी का मंथन हुआ है, और तीसरा मंथन उत्तर कांड में वेदों को मथा गया है, ब्रह्म को प्रकट किया गया। तीन मंथन रामचरितमानस ले है, और चौथा मंथन तो भागवत में समुद्र का मंथन हुआ है। वहां से 14 रत्न निकले हैं, बताइए। श्री मणि रंभा बारुणी हमी शंख गजरा, वहां से 14 रत्न निकले। श्री मणि रंभा बारुणी सभी निकला है। और मैं हर एक मंच में कहता हूं प्यारे सज्जनों, तीन मंथन रामचरितमानस में है, एक मंथन भागवत में है, देवता दानों के द्वारा 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। देखिए, लेकिन 14 में 13 ठन ला भुला गए लोग, हा एक ठन में मगन है 250 ग्राम। विचार करके देखो, जबकि जाना थन में कतिक अवगुण है, जिला हम वारी कैथन जिला कैथन शराब में कतका अवगुण है। आप जाना थो भाई और भाई के नहीं जमे। देखो, बाप बेटा के नहीं पंटे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। देखो, समाज के साथ नहीं जमे। ले बताओ, ये स्थिति है। विचार करके देखन प्यारे सज्जनों। तो इस प्रकार से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये भरत जिला मंथन करेंगे, भरत के प्रेम वहां प्रकट हो गए। अंत में वशिष्ठ जी महाराज कहना पड़ गए कि मैं तो भरत के बुद्धि के बस में हूं, मोर समझ बाहर हो गए है, मैं शरणागत हो गए हूं भरत के प्रेम में, अब मैं कुछ नहीं जान सकूं। महाराज, जो कुछ करना है आप करना है। शिव जी साक्षी है कि भरत जी के प्रति वशिष्ठ, और वशिष्ठ महाराज निवेदन करते, भरत बिनय सादर सुनी करहिं बिचारु बहु,
तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। भरत जी कहते हैं महाराज आपके शरणागति में आकर मैं धन्य हो गया, और मैं भी कहता हूं कि पवन तिवारी भी इस चंदपुरी गांव में आकर धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।
सुख नाही अमीरी में, भला बुरा भला बुरा सब ता सुन लीजे, भला मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो।
लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो मेरो यार यार मन लागो मेरो बोले भरत प्रिय राम चंद्र की जय।